साथियों, यही इंडी वाले एक और धमकी देते थे। ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। मोदी डरता नहीं है, जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, वो कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। मुझे बताओ भाई, अगर कोई लूट करता है, आपके हक का छीन लेता है, तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है। बड़े जाने चाहिए, छोटे जाने चाहिए? आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए ना? तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। भाई और बहनों, ये इंडी गठबंधन वाले अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कौन आप? अच्छा, हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे, आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे? बिहारी गुजराती से डरता नहीं है? मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी।